नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। मऊगंज जिले में पागल सियार का आतंक, 6 ग्रामीण जख्मी, चिकित्सकों ने उपचार देकर भेजा घर। मऊगंज जिले में पागल सियार के आतंक से ग्रामीण चिंतित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गुरुवार की रात उमरी गांव में एक सियार पहुंचा, जिसने घर के बाहर खड़े एक दो ग्रामीणों को काट खाया। शोर शराबा सुनकर अन्य लोग डंडा लेकर दौड़े। इसके बाद सियार आक्रोशित होकर 3-4 लोगों पर हमला किया। कई लोगों के ऊपर हमले से पता चला कि सियार पागल होकर गांव में घुस गया है। तब 2 दर्जन से ज्यादा ग्रामीण एकत्रित हुए। इसके बाद सियार को गांव के बाहर खदेड़ दिया गया। घटना के बाद घायल लोगों को मऊगंज अस्पताल भेजा गया है और वहां के चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया है। हमले में घायल सभी ग्रामीण अब खतरे से बाहर हैं, लेकिन गांव में डर का माहौल बना हुआ है। लोग अब रात में बाहर निकलने से पहले डंडा और अन्य सुरक्षा के उपायों का सहारा लेते हैं, ताकि एक और हमला ना हो। मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को 6 जख्मी ग्रामीण मऊगंज जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बताया कि बीती रात उमरी गांव में सियार ने हमला कर दिया है। सियार के आतंक से घायल हुए व्यक्तियों का नामांकन अब्दुल करीम उम्र 65 वर्ष, राजा खान उम्र 19 वर्ष, हसनैन उम्र 25 वर्ष, सोहेल उम्र 17 वर्ष, अमजद वैग उम्र 36 वर्ष और सजहर उम्र 30 वर्ष है। सभी इन ग्रामीणों की हालत अब खतरे से बाहर है और चिकित्सक दल ने उन्हें प्राथमिक चिकित्सा उपचार देकर उन्हें स्वस्थ बनाने के लिए कठिन प्रयास किए हैं। इस घटना ने ग्रामीणों के बीच आतंक और डर का माहौल पैदा किया है। सियार के इस हमले ने ग्रामीण समुदाय को भयभीत कर दिया है और उनके दैनिक जीवन को प्रभावित किया है। वे अपने घरों को सुरक्षित रखने के लिए खुद को एक आतंकी जैसा मानने लगे हैं और अब रात के समय बाहर निकलने में डर का सामना कर रहे हैं। उमरी गांव के ग्रामीणों के लिए यह हमला अछूते और डरावने क्षणों का प्रतीक है, जिसने उनके जीवन को असुरक्षित बना दिया है। इसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण समुदाय अब अपनी सुरक्षा के लिए सतर्क रहने के लिए मजबूर हो गए हैं और वे रात के समय अपने घरों में बंद हो जाते हैं। ग्रामीण समुदाय के लोगों के लिए यह एक बड़ी समस्या बन गई है, क्योंकि वे अब खुद को एक हमलावर सियार के खतरे के सामने पाए हैं। उन्होंने अपने बच्चों को भी बाहर निकलने से रोक दिया है, ताकि वे सियार के हमले से सुरक्षित रह सकें। इसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण समुदाय के लोग अब खुद को अपने घरों में बंद करने के साथ साथ अपने खेतों और फसलों की देखभाल में भी संकट में हैं। वे अब अपने खेतों में काम करने से डरते हैं, क्योंकि सियार का आतंक उनके ऊपर बना हुआ है और वे अपनी सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाने में संकोच कर रहे हैं। इस मामले में जख्मी होने वाले ग्रामीण भी अब गहरी चिंता में हैं। वे अब अपने जीवन के नए दिन कैसे बिताएंगे, इस पर विचार कर रहे हैं और उन्हें यह भी चिंता है कि क्या वे अपने परिवार को खतरे से कैसे बचा सकते हैं। इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन ने ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे कि गांव में रात के समय सियार के हमलों के खिलाफ सुरक्षा बढ़ाने का प्रयास करना। वे लोगों को यह सिखाने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वे सावधान और सुरक्षित रहें और किसी भी आपातकाल में त्वरित कदम उठाएं। इस घटना ने दिखाया है कि जीवन के साथ साथ जानवरों के साथ भी हमें सही तरीके से संबंध बनाने की आवश्यकता है। यह घटना हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें अपने पर्यावरण का सही तरीके से संरक्षण करना चाहिए, ताकि जीवन के हर कोने में हम सुरक्षित और सुख में रह सकें। इसके अलावा सरकार को भी जागरूक रहना चाहिए कि वह इस प्रकार की घटनाओं के खिलाफ कठिन कदम उठाए और लोगों की सुरक्षा की गारंटी रखे। सियार जैसे खतरनाक जानवरों के आतंक को रोकने के लिए उचित उपायों की योजना करनी चाहिए, ताकि ग्रामीण समुदाय और उनके जीवन को सुरक्षित बनाया जा सके। समापक रूप से यह घटना एक सख्त चेतावनी है कि हमें प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से संरक्षण करना चाहिए, ताकि हम और हमारी पीढ़ियां भी एक सुरक्षित और हरित भविष्य में जी सकें। हमें अपने पर्यावरण के साथ मेलजोल रहकर जीवन को सुंदर और सुरक्षित बनाने का संकल्प लेना होगा, ताकि हम सभी और स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य का निर्माण कर सकें। घटना के आसपास की जानकारी के मुताबिक बीती गुरुवार की रात को उमरी गांव में एक छोटे सियार की घटना घटी। सियार ने अचानक गांव के कुछ घरों के पास आकर कुछ लोगों पर हमला किया। उसने छानबीन के साथ वे ग्रामीण लोगों को काटा और उन्हें घायल कर दिया। इस हमले की तलाश में अन्य गांव वाले भी जागरूक हो गए और वे अपने घरों से निकलकर हमले के स्थल पर पहुंचे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।